नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज लौट है एक मज़ेदार वीडियो के साथ वापस। दोस्तों मौत का कुआं नाम सुनकर जिसने देखा है उसको थोड़ा रोमांच हुआ होगा और जिसको नहीं देखा है जिसने उसको थोड़ा अजीब लगा होगा, क्योंकि मौत और ज़िंदगी के बीच में दो पल के लिए ऐसा स्टंट किया जाता है जिसके देख कर आपको बहुत रोमांच होगा। तो दोस्तों मौत का कुआं इसके पीछे क्या साइंस है या जादू है या ज़्यादातर प्रैक्टिस है, इसके पीछे क्या है ये जानने के लिए हमने एक 3D वीडियो बनाया है। इसके थ्रू हम आपको एक एक बारीक बारीक चीज़ें बताएंगे, क्योंकि बाहर आजकल दो दिन से बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो नॉइज़ की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, तो इसके लिए हमने एक 3D वीडियो बनाया है आपके लिए। इसके थ्रू हम मौत के कुएं में बारे में आपको सभी बेसिक चीज़ें बताएंगे और साथ साथ एक चित्र भी देखता जाएगा। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। मौत के कुएं में चलती हुई गाड़ियों को देखकर मन रोमांच से भर जाता है। आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम देखेंगे कि मौत के कुएं में गाड़ियां कैसे चलती हैं और ये फिसलती क्यों नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, इस तरीके का स्टंट करने वाले लोगों को काफी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस होती है। आप इस तरीके का स्टंट घर पर दोहराने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। मौत के कुएं के पीछे के विज्ञान को समझने से पहले आइए इस घटना पर विचार करते हैं। यहाँ पर कार एक प्लेन सतह पर खड़ी है। इस स्थिति में कार संतुलन की अवस्था में है, मतलब यह कि गाड़ी किसी भी दिशा में मूवमेंट नहीं करेगी। अब अगर हम सतह के एंगल को बढ़ाते हैं तो गाड़ी को फिसल जाना चाहिए था, लेकिन सतह और टायर के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स गाड़ी को फिसलने से बचा रहा है। लेकिन अगर हम इस एंगल को बढ़ाते रहें तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब सतह और टायर के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स इसे रोक नहीं पाएगा और गाड़ी फिसल जाएगी। अगर सतह का एंगल 90 डिग्री हो तो गाड़ी सतह पर टिक भी नहीं पाएगी। इस स्थिति में गाड़ी को सतह पर टिकाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाना होगा। आइए मौत के कुएं में वापस चलते हैं। अभी तक आपने समझा कि अगर गाड़ी को फिसलने से बचाना है तो गाड़ी को दीवार पर फोर्स लगाना होगा, लेकिन यह फोर्स आएगा कहां से? इसका उत्तर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो सिंपल शब्दों में अगर आप समझें तो जब कोई भी वस्तु किसी सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है तो वह सेंटर से दूर जाने का प्रयास करती है, जिसके कारण एक फोर्स लगता है, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यह फोर्स गाड़ी द्वारा दीवार पर लगाया जाता है जिससे गाड़ी फिसलने से बच जाती है। स्टंटमैन इन सभी फोर्सेस को अनजाने में ही बैलेंस कर रहा होता है। इस स्टंट में एक छोटी सी चूक एक बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है, इसीलिए इसे मौत का कुआं कहा जाता है। आशा करते हैं आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। जब आप अगली बार मौत का कुआं देखने जाएंगे तो आप इसे जादू नहीं बल्कि विज्ञान की एक कला समझेंगे, जिस कला में ये स्टंटमैन निपुण होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।